हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जो कोई भी दुबई लोकल हायरिंग ढूंढ रहे हैं, डायरेक्ट सिक्योरिटी कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है सिक्योरिटी गार्ड एंड बाउंसर के लिए। ये कैसा अप्लाई करना है, क्या है, जो कोई विजिट वीज़ा होल्डर्स है, जो कोई जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट हायरिंग है। कोई भी थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट आप सीवी एचआर को भेज सकते हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है भेज के आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए, बाउंसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए दुबई में। और ये जॉब अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा रहना, क्या नहीं, सब कुछ बताएगा आज इस ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक देखे आपको समझ में आ जाएगा। जो कोई भी मेरा चैनल देख रहे डेफिनेटली शेयर कर, जो शेयर करने से क्या था, जो कोई मेरा भाई दोस्त और सब्सक्राइबर जो कोई भी है दुबई में जॉब सर्च के लिए जा रहे, तो उनको मदद मिल जाएगा ये ब्लॉग, तो उनको मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए, शेयर करने से आप उनको मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। अब बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर प्रेस के जो मेरे चैनल से नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा अभी भी फ्यूचर में और आगे चल के। चलो बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट पोजीशन है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्या रहता है आप सभी को मालूम है कि जैसे कि आपको एक ऑफिसर्स हो गया, पार्क हो गया, नहीं तो होटल्स हो गया, इसमें आपको सिक्योरिटी काम करना पड़ेगा। आपको 12 घंटे ड्यूटी रहेगा, आपको सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत इंग्लिश नॉलेज रहना चाहिए, आपकी हाइट आके 5.7 रहना चाहिए, आपको कोई विजिबल टैटू नहीं रहना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। ये लोगों ने सैलरी भी अच्छी खासी दे रही है, आपको 2500 तक आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी देगा, अकोमोडेशन कंपनी देगा, खाना खुद का रहेगा, ये डिपेंड आपके इंटरव्यू टाइम पर पता चलता है आपका फिजिक स्ट्रक्चर एंड आपका हाइट और आपकी जो भी इंग्लिश नॉलेज है, आपको सिक्योरिटी पे कितना नॉलेज है, उसके ऊपर हिसाब से आपको सैलरी डिसाइड किया जाएगा। फ्रेशर्स को तो अलग हिसाब से दे देगा, जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं जो सिक्योरिटी गार्ड में तो उनको अलग से सैलरी मिलती है। जो कोई विजिट होल्डर्स है वो लोग इस जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, जो भी कैंसिल वीजा वो लोग इस जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। एज ए सिक्योरिटी गार्ड के लिए डायरेक्ट हायरिंग है, आप कोई भी थर्ड पार्टी ने सीधा अपना सीवी या एचआर को भेज सकते हैं। सीवी में क्या क्या चाहिए बताया था, आपकी अपडेट सीवी में मेंशन कीजिए आप किधर काम किए थे, क्या है सिक्योरिटी गार्ड का, नहीं आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है फ्रेशर करके लिख के डाल सकते हैं। और एजुकेशन सर्टिफिकेट 10 क्लास इंटरमीडिएट तो चलेगा, मिनिमम इंटरमीडिएट एचएससी पास आउट होना चाहिए, उनको लेते हैं तकरीबन। और 10th क्लास होल्डर्स भी ट्राई कर सकते हैं आप, बाय चांस बाय लक आपका इंटरव्यू देखने के बाद वो लोग एचआर सेलेक्ट कर ले सकते हैं, नॉट एट इश्यू। और अपना गुड इंग्लिश रहना चाहिए, थोड़ी बहुत अच्छी खासी इंग्लिश बात करना चाहिए, थोड़ा लिखना पढ़ना आना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव रहना चाहिए, तो आपको आराम से सिक्योरिटी गार्ड जॉब को मिल जा सकता है। एंड सेकेंड पोजिशन है बाउंसर। हाँ दोस्तों, बाउंसर के लिए आपको थोड़ा मस्कुलर रहना पड़ेगा, थोड़ा बॉडी बिल्डर रहना चाहिए, तभी मिलता है एज ए बाउंसर के लिए। बाउंसर का काम क्या रहता है, जैसे पब्लिक इवेंट्स होगा, क्राउडेड होगा, पब होगा, डिस्को होगा, उधर पे आपको एज ए बाउंसर के सर का जॉब देते हैं। ये जॉब टाइमिंग्स बहुत अलग रहते हैं, आपको 6 to 5:00 ऐसा रहता है। थोड़े इवेंट्स में, पब्लिक इवेंट्स में जाएंगे तो पब्लिक इवेंट्स ऑलमोस्ट इवनिंग के करते, तो इवनिंग आपको नाइट तक करना पड़ता है एज ए बाउंसर के सर का। बहुत अच्छी वैकेंसी, इसके लिए आपको थोड़ी बॉडी मस्कुलर रहना चाहिए, थोड़ा आपको हैवी लुक रहना चाहिए, आपको थोड़ा वेट ज्यादा रहना चाहिए, आपको देखने दे रही, आपको समझना चाहिए दूसरे लोग के ये बाउंसर है, ये बिल्डर है, ऐसे हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, तो अप्लाई कर सकते हैं एज ए बाउंसर के सर का। बाउंसर के लिए अप्लाई करना चाहते तो सीवी बराबर से बनाए, जो भी आप एक्सपीरियंस है बाउंसर के ऊपर है तो अच्छी बात है, नहीं है फ्रेशर्स में तो मेंटेन नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी रहना चाहिए, आपका फिजिक अच्छा रहना चाहिए, फुल साइज फोटोग्राफ चाहिए विथ विजिबल बॉडी रहना चाहिए। जैसे कि आप फोटोग्राफ खींचेंगे तो लॉन्ग से खींचते हैं तो आपको बॉडी थोड़ा फोन में फोटो पूरा आना बोल के थोड़ा ये हो जाता है, लेकिन अभी आप हाफ साइड, हाँ दोस्तों, कमर तक आपके स्टमक तक एक फोटोग्राफ खींचे एंड फुल साइज वन फोटोग्राफ खींचे, खींच के उनको सेंड कर दीजिए। और 10 क्लास इंटर है तो नॉट एट ऑल इश्यू, और गुड इंग्लिश रहना चाहिए आपको, गुड कम्युनिकेशन रहना चाहिए, क्योंकि तो पब में, पब्लिक प्लेसेस में, आप दुबई में काम करो तो हर कंट्री के आते हैं लोग, तो आपको हर कंट्री की लैंग्वेज तो नहीं आता, इसलिए बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, कम्युनिकेशन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए, तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एचआर का ईमेल देगा, किसी भी थर्ड पार्टी ने डायरेक्ट एचआर को अपना सीवी और डॉक्यूमेंट भेजिए, वेट कीजिए वो उधर से रिप्लाई आने तक। वन से रिप्लाई आने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है सॉफ्ट कॉपी भेजिए, हार्ड कॉपी लेके जाके इंटरव्यू ले लेके सिलेक्ट होकर उधर उधर ऑफर लेटर हो जाता, आपको वीजे का प्रोसेस वो लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कोई इंटरेस्टेड डेफिनेटली अप्लाई कीजिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड, नहीं तो बाउंसर के सर का। नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देगा मेल आईडी और डिस्प्ले में दिख रहा होगा मेल आईडी, वो मेल आईडी को अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। ये लोकल हायरिंग है, जो कोई भी आपके दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, आपके कोई जान पहचान का आदमी है इस विजिट में आके तो जॉब सर्च कर रहा है दुबई में, तो डेफिनेटली ब्लॉग शेयर कीजिए, शेयर करने से उनको पता चलता है कि ये लोकल हायरिंग चल रहा है, तो वो लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं।
और मेरा YouTube चैनल उनको शेयर करने से उनको मदद मिल जाती है, क्योंकि तो मैं ज़्यादा जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, तो उनको मदद मिल जाएगी कि जॉब हासिल कर सकते हैं आराम से विद जेन्यून वे। ठीक है दोस्तों, कोई भी एजेंट को कोई भी कंसल्टेंसी सिंगल रुपये और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए। इधर पर कोई एजेंट भी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, डायरेक्ट HR है। डायरेक्ट HR को CV डॉक्यूमेंट भेजे, उधर लिस्ट आउट होने के बाद आपको कॉल आ जाएगा, अब जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। किसी को भी सिंगल रुपये और सिंगल द्रम मत दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए। कमेंट करना मत भूलिए, जो भी आप क्वेश्चन से जो भी आपके डाउट से बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान को, जो कोई दुबई में है आना चाहता है, आ गया है, कैंसिल वीजा है, विजिट वीजा है, जॉब सर्च करा, तो मदद मिल जाएगी। एज ए सिक्योरिटी गार्ड तो बोन सर, जो मैंने कैटेगरी बताया वो कैटेगरी में फिट आउट है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं ये दोनों जॉब पोजीशन के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा ईमेल दे देके जाके ईमेल कर दीजिए, और सब्जेक्ट में लिखे आई वांट टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी गार्ड, आई वांट टू अप्लाई फॉर बाउंसर लिख के जो भी आपके फोटोग्राफ्स मैंने बताया वो फोटोग्राफ अटैच करके उनको सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है ज़फ़रुल्लाह भाषा, इंस्टाग्राम पेज है ज़फ़रुल्लाह भाषा, को दोनों दिख रहे हैं। सिंपल से फेसबुक और इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाए मेरे यूजर नेम टाइप कीजिए ज़फ़रुल्लाह भाषा, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, या कि क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। मोर अपडेट्स देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड, तो उधर देख के आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और जिसके साथ वीजा कॉपी ऑफर लेटर आ गया है, टेंशन ना को लीजिए, आपका भाई बैठा है, आपको चेक करके बताए जेन्यून और फ्रॉड बोल के। जेन्यून है तो प्रोसेस आगे बढ़े, फेक है तो छोड़ दीजिए। 100-200% फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको चेक करके बताए, कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं। आप अच्छी तरह जाके जॉब मिल गई, अच्छे खासे कर रहे तो वही बस है, मेरे को कोई भी पैसा नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी मदद करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ज़फ़रुवलॉग्स, तो इसलिए डेफिनेटली थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और मेरे को। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग पर इतना ही है, ख्याल रखिए अपना भी, इस चैनल का भी।